इज़ वेलकम बैक टू अंदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू गाइस आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाई अपडेट्स के बारे में एंड गाइस पाई को लेके सबसे जो इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है वो इसके वैल्यूएशन को लेके है इसके प्राइस को लेके है एंड पाई ने ऑफिशियली इस चीज़ को लेके तीन से चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स दिए हैं और उसके साथ पाई मैनेंट को लेके पाई एप्लीकेशंस को लेके वॉलेट को लेके एंड इसकी जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं ब्लॉक चेंस एन और भी डिफरेंट अपडेट्स आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो ऑफिशियली पाई की तरफ से आए हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए वे, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो अपडेट है वो एज अ पाई वॉलेट्स को लेके आ रहा है जहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो पाई वॉलेट है उसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह अभी चल रही थी जैसे कि बायोमेट्रिक चीज़ें कर रहे हैं जिसमें कि फेस आइडेंटिफाई करना फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफाई करना तो इन सब चीज़ों को लेके इन्होंने बात करी है क्या क्या इनको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं जहाँ पे ये स्टॉप हो जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक है तो ये फर्स्ट अपडेट था एंड चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो नेक्स्ट अपडेट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है एंड इस चीज़ को लेके आप सभी बहुत वेट कर रहे थे कि पाई का वैल्यूएशन क्या होगा तो पाई के वैल्यूएशन को यहाँ पे इन्होंने बहुत ही डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है और ये एक ही अपडेट नहीं है इसके बाद एक दो अपडेट्स और हैं जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको तो मैं इसको हल्का सा रीड आउट कर देता हूँ यहाँ पर बोला है Please stop deducting the pi valuation, musculating it as a global conscious value for others to follow the value of pi. Will develop organically over time. It's as simple as that during a trade, pioneers can decide what the item service is worth them in terms of pi valuation. At the time, they may even negotiate and the reach of conscience for transactions. Absolutely, nobody can deduct the value of pi and force others to adopt the value. If pioneers don't agree with the pi value for the service transaction they wish to buy and sell, they are free to make a deal everywhere the fact that there are so many different values laying claiming to begin the global conscious value shows how ridiculous this is discussing a potential uh, future value is fine but deciding the value for others that is just not cool ऑल्सो द मॉर्ट्स रिप्रजेंट दौर टीम इन आवर चैट रूम्स सो बेसिकली गाइज यहाँ पे बहुत ही डिटेल में बात की है और ये सारी चीज़ें एज अ मीटिंग के थ्रू डिस्कस की गई थी तो यहाँ पे बात करी है कि बहुत सारे जो लोग हैं अभी मिसलीड कर रहे हैं इसके प्राइस को लेके और बहुत सारे लोग कुछ भी इसका प्राइस बता रहे हैं कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा हो सकता है इसका प्राइस ये हो सकता है बट इन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली है पाई के प्राइस को लेके कि पाई का जो प्राइस है वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगा एज अ सर्विसेज पे ट्रांजेक्शन्स पे और किस तरीके से आप बाय एंड सेल करते हो तो मतलब कि एक तरीके से बात की जाए तो ये डायनेमिक नेचर पे डिपेंड करेगा डायनेमिक नेचर का मतलब ये है जो अभी आपके आसपास चल रहा है उस बिहाफ़ पे इसकी एज अ वैल्यूएशन डिस्कस की जाएगी मतलब एक ऑफिशियल मैं बात करूँ तो पाई ने एज अ एक एक्यूरेट अमाउंट तो नहीं बताया कि ये अमाउंट होगा बट इसने ये सारी चीज़ें मतलब कि आप सभी पर छोड़ी हैं जो कि सर्विसेज, ट्रांजैक्शंस एंड बाय एंड सेल पे डिपेंड करता है इसको और डिटेल में समझते हैं पाई ने यहाँ पे क्या बोला है सो गाइज यहाँ पे एक्सचेंजेस के ऊपर बात करी है कि, कि किस तरीके से मतलब और आपको बेनिफिट्स मिलेगा सिटी इज़ मोर इंटरेस्टिंग इन बिल्डिंग रियल Utility than speculating on value. To address this, city is looking to build and support the Pi ecosystem. The idea is to let people transaction with Pi without considering the exchange value of any other currencies. सो so बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंजेस की बात करी है कि जो पाई के आइडियाज़ हैं जो जिन चीज़ों पे फ्यूचर में काम करने वाला है जिन ट्रांजेक्शन पे काम करने वाला है तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोल दिया है पाई विदाउट कंसिडरिंग दी एक्सचेंज वैल्यू ऑफ एनी अदर करेंसीज ठीक है तो जो डिफरेंट करेंसीज़ हैं या डिफरेंट एज अ फ्यूचर के अंदर करेंसीज़ बनेंगी या जो भी होंगी जिस भी कंट्री की तो बेसिकली इसने पहले भी बोला था कि हम हर एक कंट्री के अंदर जैसे कि जहाँ पे भी आप रहते हो उस चीज़ में आप इजीली कन्वर्ट उस चीज़ को करा सकते हो ठीक है तो ये अच्छी भी चीज़ थी ठीक है और एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं तो और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करें तो अदर क्रिप्टो करेंसीज से आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो या या इसको किसी और में कन्वर्ट कर सकते हो एंड नेक्स्ट जो अपडेट है पाई पेमेंट्स को लेके है यहाँ पे वैल्यूएशन पता चलेगा पाई कॉइंस का तो नो ऑर्गेनाइजेशन इज इंस्परेबल फ्रॉम दी इकोलॉजिकल इंक्लूडिंग पाई नेटवर्क इफ़ बिफोर दी ओपन सोर्स ऑफ पाई मेन मैन देयर आर इकोलॉजिकल एंटरप्राइज सपोर्ट पाई पेमेंट्स ऑल ओवर दर्ल्ड दैन एवरी वन विल नो लॉन्गर वे हैव टू वरी अबाउट दी वैल्यू ऑफ पाई कॉइन्स यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो जो मैनेट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं मतलब जब आप मैनेटिंग कर रहे हो तो फ्यूचर में आपको क्या वैल्यूएशन मिलेगा तो पाई हर एक चीज को एक प्रोडक्ट पर डिफाइंड करता है जैसे कि इस वाली फ़ुटेज या वीडियोस में आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ये शॉप्स का ये पूरी लोगो आइटम्स सब चीज़ें पाई के थ्रू परचेज़ की जा सकती हैं तो आप इसके बिहाफ़ पे नॉर्मली एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या प्राइस का वैल्यूएशन होगा बट प्रॉपर फिक्स प्राइस की बात करूँ वो यहाँ पे इन्होंने नहीं दी है मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने साफ़ बोला है सर्विसेज और डायनेमिक चीज़ों पे डिपेंड करता है और यहाँ पे एक और जो नेक्स्ट अपडेट है कि, कि किस तरीके से आप इसमें नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकते हो और किस तरीके से और इसमें आगे एज अ फ्यूचर बना सकते हो तो बेसिकली आपको पता होगा इन्होंने बुक्स वगैरह भी पब्लिश करी है एंड टेक्नोलॉजी से ये बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं अभी के टाइम में ओके एंड यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ की हम बात करें यहाँ पे एज आ एप्लीकेशंस के बारे में बात करी है पाई हैक्टन के बारे में बात करी है और मैनेंट के बारे में बात करी है तो मैनेंट लॉन्च इज नॉट कॉन्टिजेंट एंड नेवर हैज़ बीन डिपेंडेंट ऑन क्रॉसिंग दी हंड्रेड मिलियन पाइनर्स पॉपुलेशन साइज रोड मैप इज नॉट बेस्ड ऑन साइज बट इज ऑफ फ्रेजेज ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे साफ साफ क्लियर किया है पाई ने कि हम डिपेंड नहीं हैं कि सौ मिलियन हमारे पाइनियर्स होंगे तो हम अपना रोड मैप स्टार्ट करेंगे या चीज़ें करेंगे इन्होंने साफ बोला है हम डिपेंडेंट नहीं है पॉपुलेशन पे मतलब कि जितने भी अभी मान लो पाइनियर्स हैं तो उन सभी का ये बेनिफिट देख के सोच रहे हैं और सभी को लेके एज अ पॉपुलेशन जो भी होगी उस बिहाफ़ पे ये रोड मैप स्टार्ट कर देंगे और रोड मैप में क्या होगा कि सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी किस तरीके से पाई फ्यूचर में काम करने वाला है और क्या क्या बेनिफिट्स फीचर्स और भी सारी चीज़ें ग्रोथ आपको कैसे देगा ठीक है पाई हैक्टन एंड एप्स बिल्ड द इकोसिस्टम बाई रिप्रजेंटिंग पाई यूज केजेस इट इज़ द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेज तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो जैसे प्रिवियस अपडेट्स आए थे एप्लीकेशन वगैरह को ले कर तो यहाँ पे पाई रिवोल्यूशन को ले के अपडेट आया है जहाँ पे बोला है द विजन ऑफ पाई नेटवर्क इज़ ह्यूज एंड इट विल टेक इनफ टाइम टू रियलाइज इट हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड and olive branch to the technical talent of world renewable uh, universities to build rich pie ecosystem more than talented are needed to join the revolution so बेसिकली अभी के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पाई के साथ जो यू एस की एज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं इस पर काम कर रहे हैं इसकी टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं एन एफ टीज़ ब्लॉक चैन मेटावर्स वेब थ्री पॉइंट ज़ीरो ऐसी और डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग काम कर रहे हैं जैसे कि हमने कल के अपडेट्स में देखा था और इसके अपडेट्स ऐसे आ चुके हैं ठीक है सो यहाँ पे एक और मतलब के को रिलेटेड है जो कि आपको पता होगा जिस जिसपे काम कर रहे हैं एंड एज अ पाई नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में अभी सेकंड नंबर पे आ चुका है जो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है एंड बहुत सारी पाई की एप्लीकेशंस आने वाली हैं जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में तो यहाँ पे एन एफ प्लेटफॉर्म को लेके आएगा मार्केटिंग बुक्स फिटनेस इको ई कॉमर्स सोशल मीडिया ऐसे डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पाई के साथ सो so बेसिकली और इनके बहुत सारे ऐजा इवेंट्स आने वाले हैं जो पंद्रह सोलह अक्टूबर को होंगे तो इसमें आप सभी लोग देख सकते हो बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस uh, कंपनीज़ और बहुत सारे क्रिप्टोज करेंसीज़ आएंगी यहाँ पे ठीक है ऐसा कोलेब्रेशन की बात कर लो या बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों की बात कर लो सो so, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाई का एक्चुअल वैल्यूएशन कितना आगे जा सकता है तो सारी चीज़ें आज हमने कवर करने की कोशिश की है एंड एक्चुअल प्रॉपर जो इसका वैल्यूएशन है वो अभी पाई नहीं बताएगा एंड पाई जो है उसने एक डिपेंड कर दिया है वो सर्विसेज और बाई एंड सेल पे जिससे कि मान लो अभी आप कोई चीज़ परचेस कर पा रहे हो और कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें परचेज़ कर पा रहे हो कितनी नेसेसरी चीज़ें परचेस कर पा रहे हो कितने कॉइन से कर पा रहे हो उन सभी चीज़ों से ले मतलब बेसिकली जो वैल्यूएशन होगा आपने कोई छोटी चीज़ें ख़रीदी बहुत जो नेसेसरी होती हैं एंड बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदी तो डिपेंड करेगा आपने कितने कोइन्स में उस चीज़ को परचेस किया है और उन सभी चीज़ों पे जो डेटा निकल के आएगा तो इन सब पे ऑन एन एवरेज करके एक अमाउंट डिसाइड किया जाएगा ये हो गया सारा चीज़ पाइनियर्स पे डिपेंड करता है हम सब पे डिपेंड करता है उसके बाद एक वैल्यू आएगी और सेकेंडरी चीज़ ये होगी जो कि पाई नेटवर्क जो है खुद अपने आप इस चीज़ को डिसाइड करेगा ठीक है बट मेजर केसेस के अंदर पाई ने ऐसा सारी चीज़ें आप सभी पे छोड़ रखी है मतलब सभी पाइनियर्स पे छोड़ रखी है कि पाइनियर्स किस बिहाफ पे इन सभी चीज़ों को करते हैं ठीक है मतलब जो भी आप नॉर्मल बाई एंड सेल करोगे तो एक टाइम के बाद आ, कुछ तीन चार महीने के बाद इस साल के एंड होने से पहले या एंड होने के जैसे कि न्यूयॉर्क के आसपास आपको मैक्सिमम चीज़ें दिखेंगी क्योंकि पाई टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम कर रहा है और पाई जो है सेकंड नंबर पे आ चुका है पूरे वर्ल्ड में जो कि एक बहुत बड़ी बात है ठीक है तो गाइज ये सारे अपडेट्स थे आज के इस वाली वीडियो के अंदर आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक वीडियो पर बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना इससे हमें मोटिवेशन मिलता है एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को ऑल पे दबा देना सो so गाइस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम